प्रदेश के हापुड़ में 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि किशोरी अपने खेत पर जा रही थी, उसी दौरान अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला थाना गणमित्वेश्वर क्षेत्र का है, जहां जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर 13 वर्षीय दलित किशोरी गांव के ही पास खेत पर जा रही थी, तभी 4 युवकों ने किशोरी खेत पर जाते समय देख लिया और उसको रास्ते से खींचकर गन्ने के खेत में ले गए, जहां चारों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 13 वर्षीय मासूम चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने किशोरी की एक न सुनी और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे। सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। बेहोशी की हालत में पीड़िता काफ़ी देर तक जंगल में पड़ी रही। जब पीड़िता की तलाश की गई तो पीड़ित गन्ने के खेत में मिली, जिसे देखकर पीड़ित के भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं बेबस भाई पीड़ित को अपनी शर्ट में लपेटकर अपने घर लाया। घर आने के बाद पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाने लगे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों की पूरी रात तलाश की। वही पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने चारों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या जने थे वो? चाल थे। और कुछ फिर कैसे तुम्हारे घर को कैसा पता लगा? फिर जब वो चाल जब मैं लुक के चमचाई हमारी लड़की के साथ ये हुआ थी बलात्कार जी। हमारी लड़की गई थी बीन काटने के लिए सेंटे जी। दादी पोती दादी लग रही थी पल्ली तरफ, लड़की थी मेरी उल्ली तरफ। अब लड़के दादी जो आई बींड गिरने के लिए, तो लड़की फिर दादी बींड गिर कर वहाँ से उल्टी आई, तो वो वहाँ चार लड़के मुँह लड़की का मुँह पीछे से पकड़ कर बंद कर रखा, वहाँ से पहुँच गया मेरा लड़का। अब 3 लड़के तो भग गए होंगे को, अब मेरी लड़की को ले गई इसमें को, तो एक लड़का जो भग रहा उनने मेरे लड़के ने उस लड़के को पकड़ा घर तलक, और जो 3 है वो गए ईख में पड़। सिलवार उसकी नहीं थी, उसकी उंगली कटी हुई है दांती से, और उसके दांती भी और चप्पल भी और एक सिलवार पता नहीं कहाँ है। हाँ पड़ा, हाँ तो पड़ा पड़ा दिखा है। गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची का तत्काल मेडिकल कराया गया, तहरीर का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।